मालवनी हादसे का शिकार गुलजार अहमद अंसारी ने सरकारी मदद को वापस करने का फैसला किया। हादसे के शिकार मृतकों के परिवार वालों को राज्य और केंद्र की सरकार की तरफ से 5 लाख और 2 लाख रुपए मिलाकर 7 लाख रुपए की धनराशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की सरकारी घोषणा पर नाराज मालवनी हादसे का शिकार गुलजार अहमद अंसारी ने सरकारी मदद राशि का चेक वापस करने का फैसला किया है। मैं 4,300 में क्या करेगा, रूम भाड़ा नहीं ले, रूम नहीं ले सकते और दवा इलाज नहीं कर सकते और परेशानी क्या है, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। 4,300 में इसमें कुछ होने वाला नहीं है सर। 50-50 हज़ार का घोषणा हुआ था, 50,000 का, तो वो मिला नहीं घायल लोग का, और सामान को जो इसका सामान गया वो सामान का पैसा मिलने वाला था। टायर से आया दवा लेके घर पे लेटा, खाना पीना खा के घर पे जैसे ही लेटा, उसके 2-4-5 मिनट 11:15 या 20-25 मिनट के बीच में हादसा हुआ ये। तो जब घर गिरा तो एकदम दिमाग सुन हो गया, चारों तरफ लादी थी, इसकी वजह से मैं सेव था, थोड़ा सांसें चल रही थी। तो 1.25 घंटे तक मैं आवाज़ दे रहा था तो कोई सुनने वाला नहीं था 1.25 घंटे तक। फिर उसके आधे 15-20 मिनट के बाद शोर शराबा हुआ, तो फिर वहाँ से आवाज़ देना, दो मेरी मिसेस थी तो आवाज़ देना चालू करे, तो दो लोग आवाज़ दिए फिलहाल, तो एक बंदे ने सुना तो और तेज से तेज आवाज़ देने लगे, तो एक बंदे सुना बोले देखो ये इधर भी है, तो फिर मैं और जोर से आवाज़ दिया तो सुना भाई किधर, मैंने बोला दरवाजे के पास हूँ, दरवाजे के पास मेरी मिसिस को पहले निकाले जब, तो मैं बेहोश हो गया था, तो मेरे को उतने टाइम होश नहीं था। मुंबई के मालाड़ मालवणी इलाके में भारी बरसात के कारण एक 2 मंजिला मकान के ढह जाने से कुल 12 लोगों की मौत हो गई थी। मौके पर प्रशासन काफी जद्दोजहद के बाद कुछ और लोगों को बचाने में कामयाब हुई। इसी हादसे का शिकार 26 वर्षीय गुलजार अहमद अंसारी ने राहत कोष से मिले 4,300 रुपए का चेक सरकार को वापस करने का फैसला कर लिया है। दौड़ कर रहे हैं 1-2 हफ्ते से, अपना भागना दौड़ा चालू है, और इससे 4,300 चेक से ज्यादा मेरा उतना खर्चा हो गया कि मतलब चलो मिलेगा, 50,000 मिलेगा, रूम ले गए तो अभी तक 4,300 है, तो इसमें रूम नहीं ले सकते और कुछ कर नहीं सकते, तभी क्या करेंगे, तभी सरकार की कोई मदद है। 4,300 में हुआ है दिए सरकार, अब इसमें क्या करेगा और ये चेक ले क्या कर सकते हैं, तो मैं इसको आप वापस करना चाहते हैं जी। पूछे जाने पर बताया कि राज्य और केंद्र सरकार जब घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद के रूप में देने की घोषणा की हुई है तो हमें 4,300 रुपए का चेक देने का क्या मतलब, जबकि हादसे ने मेरी जिंदगी को ही तबाह कर दिया। आस लगी थी कि सरकारी मदद हमारे काम आएगी, लेकिन जो राशि हमें प्राप्त हुई है वो किसी काम की नहीं। वैसे मेरा नुकसान तो हो गया पर सरकार का नुकसान न हो, इसलिए मदद के पैसे मैं वापस करना चाहता हूँ। फिलहाल सरकारी घोषणा और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गुलजार अहमद अंसारी और उनके रिश्तेदारों ने इस पर जांच की मांग करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से मदद के नाम पर धोखा नहीं देने की मांग की है। कैमरामैन अमीन शेख के साथ इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट।